हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। तो सी टी पी वाई क्यू सीरीज़ का आज क्लास फिफ्थ है, ठीक है। और हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है गेट, एसएससी, जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रख के, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इन सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है वो सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपके सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर अगर आपने अभी सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं भी किया है तो भी ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन से एरिया को ज़्यादा कवर करना है और कौन से एरिया को कम कवर करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टिम्बर टॉपिक को, ठीक है। और इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हो रखे हैं वो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टिम्बर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फेल ट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पोजिशंस ऑन द ट्रीज एज पर IAS 399 बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि जो टिम्बर एक्सट्रैक्ट करता है फेल ट्री से, यानी जो पेड़ अपने आप गिर जाता है, ठीक है, तो फेल ट्रीज से जो हम टिम्बर एक्सट्रैक्ट करते हैं उस टिम्बर को हम क्या बोलते हैं, तो उस टिम्बर को हम बोलेंगे अपना रफ टिम्बर, ठीक है। अब देखो टिम्बर को किस किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो कितने टाइप के टिम्बर होते हैं हमारे, स्टैंडिंग टिम्बर होता है, रफ टिम्बर होता है और लंबर होता है, ठीक है। अब स्टैंडिंग टिम्बर क्या है कि मतलब कि ये लिविंग ट्री है, ठीक है, ये जो भी टिम्बर हमें लिविंग ट्री से मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है। और फिर जो भी हमारी फेल ट्री से मिलता है जैसे कि पीछे हमने अभी देखा वो होगा हमारा रफ टिम्बर, और फिर जो भी हमारे लॉग्स ऑफ टिम्बर होंगे, ठीक है, जो हम प्लैंक्स और पोस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से जो हमें क्या कहते हैं लॉग्स मिलते हैं टिम्बर के प्लैंक वगैरह से, तो वहाँ उसको हम बोलेंगे लंबर, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पे, तो बेसिकली ग्रुप ए का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है हमारा, 12.5 से ज़्यादा, ठीक है, 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा होगा। ग्रुप बी का हमारा 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में होगा। और फिर ग्रुप सी का क्या होगा कि हमारा 5.6 से हमारा ज़्यादा होगा और 9.8 से हमारा कम होगा। क्लियर हो गया, यानी 5.6 टू 9.8 के बीच में रेंज करेगा। क्लियर हो गया ये चीज़। चलो फिर थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अब क्या अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी डिफाइंड हम कर सकते हैं, ये एक्चुअली में सारे क्यूब हैं, ठीक है, ये मीटर क्यूब है सारे, ये भी आप ध्यान रखना, ओके। चलो देखते हैं तो कौन कौन सा है, तो तीन ग्रेड हो गए हमारे, तीन ग्रेड कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, हमारा ग्रेड एक्स, ग्रेड वाई और ग्रेड जेड। ग्रेड एक्स में क्या है कि हमारा ये मोस्ट कॉमन होता है और ये हमारा कितना अवेलेबल होता है, हमारा ये 1415 मीटर क्यूब और मोर पर ईयर, ठीक है, हमारा टाइम ड्यूरेशन जो पीरियड ले रखा है वो हमने वन ईयर का ले रखा है। फिर ग्रेड वाई क्या है, ये हमारा कॉमन है, दैट मीन्स कि ये 350 मीटर क्यूब टू 1415 मीटर क्यूब तक रहता है पर ईयर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा ग्रेड जेड, ग्रेड जेड क्या हो गया हमारा लेस कॉमन, यानी सबसे कम मिलता है ये हमें, और ये कितना होता है हमारा बिलो 355 मीटर क्यूब पर ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे तो पहला क्या हो जाएगा हमारा हाई ड्यूरेबिलिटी, दूसरा हो जाएगा हमारा लो ड्यूरेबिलिटी और तीसरा हो जाएगा हमारा मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली चलो ठीक है, वैसे मॉडरेट को मुझे पहले रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। चलो अब क्या है, एवरेज लाइफ अगर उसकी 120 मंथ्स है, किसकी, हमारी टिम्बर की, ठीक है, 120 मंथ्स है या उससे ज़्यादा है तो उसकी हाई ड्यूरेबिलिटी होगी। लो ड्यूरेबिलिटी मतलब 60 मंथ से कम होगी, और 60 और 120 के बीच में जो हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी बेसिकली, ठीक है। फिर अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटेबिलिटी, यानी किस तरह से हमने उस टिम्बर को ट्रीट किया है, तो क्या होगा, हाई रिफ्रैक्टरी, मॉडरेट रिफ्रैक्टरी और लो रिफ्रैक्टरी, ओके। अब हाई रिफ्रैक्टरी क्या होता है, दीज आर स्लो एंड डिफिकल्ट टू सीजन फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। अब क्या है, इसकी जो सीजनिंग होती है तो वो काफ़ी स्लो होती है और डिफ़िकल्ट भी होती है, लेकिन इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर क्या है, प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट रैपिड ड्राइंग। इसमें हम रैपिड ड्राइंग तो करते हैं, इसमें क्या है, स्लो ड्राइंग कर रहे थे,
फिर इसमें क्या है, यहाँ पे हम रैपिड ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रोटेक्शन दे रखा है किसमें कि ताकि रैपिड यानी ड्राइंग के ड्यूरेशन में कोई भी हमें डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये रैपिडली सीजन होता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। अब क्या है कि जो लो रिफ्रैक्टरी होते हैं इसमें क्या रैपिडली सीजन भी हो जाते हैं और प्लस ये डिफेक्ट भी नहीं शो करते। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे डिस्कशन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द पर्पस ऑफ फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर इज टू। अब क्या है कि हमने क्या करते हैं, हम टिम्बर को अपने फायर प्रूफ बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है फायर प्रूफिंग के लिए हम कैसे करते हैं, तो चलो देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि देखो, एज पर द जनरल रूल द स्ट्रक्चरल एलिमेंट मेड ऑफ टिम्बर इग्नाइट एंड गेट रैपिडली डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ अ फायर। अब ये क्या बोल रहा है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है किसका, हमारे टिम्बर का, वो क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी फायर को कैच करता है और फटाफट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर, फर्दर दे ऐड टू द इंटेंसिटी ऑफ अ फायर बट द टिम्बर यूज्ड इन हैवी सेक्शंस मे अटेन हाई डिग्री ऑफ फायर रेजिस्टेंस बिकॉज द टिम्बर इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये इंटेंसिटी हमारी फायर मतलब ऐड करने की बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें, लेकिन टिम्बर क्या होता है, टिम्बर के जो हैवी सेक्शंस होते हैं उनका क्या होता है कि वो बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं, यानी हीट को इतनी ईजिली पास नहीं होने देते हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है कि वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ फायर रेजिस्टेंस, यानी कि वो फायर को भी कैच करने मतलब फायर को रेजिस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर यही रीज़न है वाई टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ट अप सफिशियंट हीट सो एज़ टू कॉज अ फ्लेम इन अ टिम्बर। इसी चक्कर में क्या होता है कि अगर हमें किसी भी टिम्बर को या फिर हैवी सेक्शंस को हमें क्या करना है कि हमें अगर बर्न आउट करना है तो हमें काफ़ी टाइम लगता है उसको फ्लेम कैच करवाने में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू द फायर रेजिस्टेंस द टिम्बर इज़ क्लासिफाइड एज रिफैक्ट्री एंड नॉन रिफैक्ट्री टिम्बर। ओके, दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से, रिफैक्ट्री और नॉन रिफैक्ट्री। फिर क्या बोल रहा है, द रिफैक्ट्री टिम्बर इज़ अ नॉन रेजिनियस एंड इट डज़ नॉट कैच फायर ईजली। यानी रिफैक्ट्री वाले में क्या होता है कि ये जो रेजिनियस होते हैं जो हमारे फ्लेम को ईजली कैच करते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यानी कि फिर जो रिफैक्ट्री टिम्बर होता है वो हमारा ईजली फायर कैच नहीं करता है, ठीक है। अब क्या है कि इसके एग्जाम्पल्स साल और टीक हो गए। अब नॉन रिफैक्ट्री आप समझ ही गए होंगे इसका जस्ट अपोजिट, कि इसमें रेजिन्स होते हैं और फिर ये क्या करता है, ये हमारा फायर भी बहुत ही ईजिली कैच कर लेता है, जैसे हमारे शीर, देवदार या फिर फर, ठीक है, इस टाइप के टिम्बर। तो बेसिकली क्या है, अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, द पर्पस ऑफ फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर इज़ टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इट्स ओन कम्बशन, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, चिपमार्क डायगनल ग्रेन, टॉल ग्रेन और वेन, सॉरी एंड वेन आर द डिफेक्ट्स इन द टिम्बर ड्यू टू। अब यानी ये पूछ रहा है कि ये चारों जो इसने बता रखे हैं डिफेक्ट्स, ये किस टाइप के डिफेक्ट हैं, तो कौन से टाइप के डिफेक्ट होंगे, ये हमारे कन्वर्जन डिफेक्ट है। यानी ये सारे डिफेक्ट हमारे टिम्बर में तभी शो होते हैं जब हमारा क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं टिम्बर को अपने, ठीक है, जब टिम्बर का कन्वर्जन का प्रोसेस चल रहा होता है तो इस उस टाइम पे हमारे ये सारे क्या कहते हैं कि डिफेक्ट्स अकर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो बाकी सारे तरीके से क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। अभी क्या बोल रहा है कि डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, तो वो हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं, चिपमार्क डायगनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन और वेन। फिर क्या, डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं हमारे, तो मरीन बोरर्स, बीटल और टर्माइट्स, ठीक है। फिर क्या है, फंजाई की वजह से, तो कौन कौन से होता है, ब्लू रॉट, हर्ट रॉट, ड्राई रॉट, सैप स्टेन और वेट रॉट। फिर हमारे सीजनिंग की वजह से, बो, चेक, कोलैप्स, कप, ट्विस्ट, स्प्लिट, रैप, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा नेचुरल फोर्सेस की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स हमारे अकर हो सकते हैं टिम्बर में, तो कौन कौन से हमारा, नॉट्स, बर्ब, रिंगल्स, ट्विस्टेड फाइबर, शेकर्स और ड्रक्सीनेस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे लिस्ट आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इससे आप ये सोच लो कि एक एक वर्ड से यहाँ के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये फैक्चुअल थिंग है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय याद करने के, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिफेक्ट्स डेवलप व्हेन अ ट्री ग्रोज रैपिडली, ठीक है। अब क्या ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कोर्सर ग्रेन, दूसरा दे रखा है वाइडेंड एनुअल रिंग्स और
तीसरा क्या है हमारा लेसर स्ट्रेंथ दे रखा है। तो अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा वुड का डिफेक्ट है जो हमारा मतलब रैपिडली यानी सबसे तेज़ी से ग्रो करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी दैट इज़ 1, 2, 3, यानी तीनों ही ऐसे हैं, यानी कोर्सर ग्रेन्स भी है, फिर वाइडेंट एनुअल रिंग्स भी है और लेसर स्ट्रेंथ भी है। तो ये तीनों डिफेक्ट्स हैं जो डेवलप होते हैं किस में, हमारे ट्री में, और वो भी काफ़ी तेज़ी से। क्लियर हो गया? तो क्या है हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि नेचुरल वुड डिफेक्ट्स। अब नेचुरल वुड डिफेक्ट्स में सबसे पहला क्या बता रखा है, ये कोर्सर ग्रेन। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं एक बार, कोर्सर ग्रेन। अब कोर्सर ग्रेन में क्या बोल रहा है कि इफ़ द ट्री ग्रोज रैपिडली द एनुअल रिंग्स आर वाइडेंड। अब क्या है कि अगर ट्री की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही होगी तो उसमें हमें जो एनुअल रिंग मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, काफ़ी वाइडेंड मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी चौड़े चौड़े मिलेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नोन एज अ कोर्सर ग्रेन टिम्बर एंड पजेसेस लेस स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, इसकी वीकनेस क्या हो गई कि चलो इसमें कोर्सर ग्रेन होते हैं और दूसरा है हमारा इसमें कि स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या ये हमारे काम आएगा, नहीं, ये हमारे काम नहीं आ पाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, बर्ल्स। ठीक है, अब बर्ल्स क्या बोल रहे हैं कि बर्ल्स आर अ डिफॉर्म्ड ग्रोथ फॉर्म्ड व्हेन अ ट्री रिसीव्स अ शॉक और इंजुरी इन इट्स यंग एज। अब क्या होता है कि जैसे हमारा जो ट्री है, ट्री पहले प्लांट होगा। ठीक है, तो यानी कि जब ट्री हमारा ग्रो ही हो रहा होगा, ठीक है, प्लांट से वो ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन एज में ही होगा, तब क्या होता है कि उसे कोई एक ऐसा शॉक मिला होगा या फिर ऐसी कोई इंजरी जैसे कि फ्लड आ जाता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल कैलमिटी होती है, तो उससे क्या होते हैं कि हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई अफेक्ट आया और उसे कोई शॉक हुआ तो क्या होता है कि जैसे हमें इंजरी होती है वैसे ही हमारे ट्री को भी इंजरी होती है। तो वो इंजरी क्या होती है, वो कभी कभी मतलब क्या हो कहते हैं उसमें ट्रीज़ में क्या है, उसके वुड में एक डिफेक्ट क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें बर्ल्स मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, बाग पॉकेट्स। अब बाग पॉकेट्स क्या होते हैं, बाग पॉकेट्स हमारे तब फॉर्म होते हैं व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ बाग प्रोट्रूड्स इनटू द लंबर। ठीक है, अब क्या होते हैं कि बाग बेसिकली हमारा क्या होगा, बाग होता है हमारा जैसे मान लो कि ये हमारे ट्री का ट्रंक हो गया। ठीक है, आपने सरफेस पे ऐसा देखा होगा कि ट्री से निकले निकले भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे क्या होते हैं, वुड के पार्ट्स होते हैं जो ट्री के ऊपर ही ऐसे जमे हुए होते हैं। ठीक है, वो एकदम ऐसे पैचेस में दिखते हैं हमें। तो ये जो होते हैं ये ट्री का पार्ट होते हैं लेकिन क्या होते हैं, ट्री के सरफेस पे नहीं होते हैं और बहुत ही रफ, मतलब ट्री के टेक्सचर को क्या बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है बार्क। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रोट्यूट्स मतलब कि जो सरफेस से यानी ट्री के सरफेस से ऊपर ऊपर प्रेजेंट होता है लेकिन ट्री का पार्टी होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बार्क पॉकेट्स बोलेंगे। तो ये भी हमारा ये नेचुरल वुड डिफेक्ट है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बर्ड पेक्स। बर्ड पेक्स यानी कि कॉज्ड बाय द बर्ड्स स्पेशली वुड पिकर्स। वुड पिकर्स के बारे में सबको पता ही होगा, वो क्या करता है कि बार बार वुड में ऐसे, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि ये वुड है हमारा, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमारा बार बार फोर्स एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे टिम्बर के ये कंप्लीट लॉक को वो क्या करेगा, हमारा ख़राब कर देगा। दैट मीन्स कि ये पार्ट हमारा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा और हम इसको कट करके निकालेंगे भी तो भी हमारा ये इतना काफ़ी टिम्बर हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, अपना बर्ड पेक्स कहेंगे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द इनर एनुअल रिंग सराउंडेड द कैंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो इनर एनुअल रिंग्स होता है सराउंडेड द कैंट पोर्शन और द कोर ऑफ द ट्री इज नोन एज। तो कोर ऑफ द ट्री को हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं पिथ। ठीक है, यानी इनर एनुअल रिंग बेसिकली जिसको सराउंड किया हुआ होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पिथ बोलेंगे, यानी पिथ इज ऑल्सो नोन एज कोर, कोर ऑफ अ ट्री। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन था हमारा, पिथ, सी ऑप्शन था। ठीक है, ये सी ऑप्शन हो गया। ओके, अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्या बोल रहा है, ये पिथ, दूसरा सैपवुड बता रहा है, तीसरा हर्टवुड बता रहा है, चौथा कैम्बियम लेयर, फिर इनर बार्क,
फिर क्या है हमारा आउटर बार्क। देखो अभी आउटर बार्क यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो मैं बार्क आपको समझाना चाह रही थी वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये वुड के पार्टिकल्स, ये ऐसे बाहर बाहर ये थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए, ये सरफेस पे भी नहीं है पर सरफेस पे है भी, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे आउटर बार्क हो गए। फिर ये क्या है, थोड़े सिमेट्रिकल क्या जो दिख रहे हैं वो हमारे इनर बार्क हो गए, ठीक है। कैम्बियम लेयर हमारी कौन सी होगी, जो हमारे जस्ट इनर बार्क के अंदर वाली जो लेयर होती है आउटर लेयर, उसे हम बोलेंगे कैम्बियम, ठीक है। फिर सैपवुड क्या होता है, सैपवुड हमारा क्या होता है, जो पोर्शन हमारा बेसिकली हमारा हार्डवुड और क्या कहते हैं कि कैम्बियम लेयर के बीच में होता है, वो हमारा होता है सैपवुड, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा हार्डवुड, यहाँ पे अब सैपवुड के अंदर क्या आएगा हमारा, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, ये पूरा हमारा है हमारा हार्डवुड है, ठीक है। अब ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये कोर ऑफ द ट्री, वो हमारा क्या हो गया, पिथ, यानी ये जो ब्राउन डार्केस्ट ब्राउन कलर का दिख रहा है। फिर ये क्या है, जो रिंग्स दिख रही हैं, ये रिंग्स हमारी क्या है, ग्रोथ रिंग्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपनी एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सारी चीज़ें। अभी हम बार्क की बात कर रहे थे, अब आपको यहाँ पे बार्क दिख भी गया पिक्चर में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लाईवुड। अब कौन सा ऑप्शन है जो हमारा प्लाईवुड के लिए सही होगा। तो देखो प्लाईवुड का लिए पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वुड वर्नियर्स क्या होते हैं, पहली बात तो वुड वर्नियर्स हमारे वो होते हैं जो बहुत ही थिन स्लाइस ऑफ वुड ऑब्टेन फ्रॉम द लॉग ऑफ द ट्रीज, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो वुड वर्नियर्स क्या है, वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ द वुड ऑब्टेन फ्रॉम द लॉग ऑफ द ट्रीज। अब क्या है कि जो सबसे कॉमन मेथड होता है क्या हमारे वर्नियर ऑब्टेन करने का, इज बाई माउंटिंग द लॉग्स ऑन द मशीन एंड रोटेटिंग देम अबाउट देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, उसको मशीन पे माउंट कर दिया और अब हम उसको धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ब्लेड से धीरे धीरे हमारी थिन थिन लेयर किसकी निकालता जाएगा, किसके हमारे वुड्स की। क्लियर हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया हमारा जिससे हमें मिल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, दीज पील्ड लेयर्स आर कॉल्ड वर्नियर्स। ये जो पील्ड लेयर, जो पतली पतली लेयर हमें मिली है, ठीक है, हमारी थिन शीट की तरह, वो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्नियर्स बोलेंगे। अब क्या होता है कि वर्नियर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर लॉग। अब जो हमारी फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ टिम्बर्स होते हैं ना, उनसे हम वर्नियर्स निकालते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, बोल रहे कि मिनिमम ऑफ थ्री, यानी कि दीज वर्नियर्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। अब जैसे प्लाई आपने देखा ही होगा, प्लाई में अगर आप साइड से देखोगे उसको, तो आप देखोगे क्या कि उसमें बहुत ही पतली पतली लेयर्स की क्या होती है, शीट्स आपस में ग्लूड होती हैं, ठीक है, आपस में चिपकाई हुई होती हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि उसको एक एडहेसिव, अब यहाँ पे देखो एडहेसिव मटेरियल्स, उसको क्या करते हैं, हम उसको चिपका के रखते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब वो एडहेसिव मटेरियल कौन कौन सा यूज़ करते हैं हम, तो यूरिया, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स और सिंथेटिक फेनोलिक रेजिन, ठीक है, ये दोनों यूज़ करते हैं हम किसके लिए, एडहेसिव प्रॉपर्टी, यानी जैसे हम हमारा फेविकोल होता है एक एडहेसिव मटेरियल, वैसी तरह हमारा ये यूरिया, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स और सिंथेटिक फेनोलिक रेजिन्स भी हमारे एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको हॉट प्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे हाई प्रेशर के अंडर में वो आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे और फिर अब सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है, ताकि उन पे कितना भी लोड पड़े वो लोड अच्छे से बेयर कर पाएँ। ओके, समझ में आ गया। फिर प्लाईवुड तो आपको पता ही है अच्छे से कि प्लाईवुड क्या होता है, फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्लाईवुड थ्री और मोर वर्नियर्स, यानी जो थिन लेयर्स ऑफ हमारी वुड होती हैं वो सारी आपस में हम क्या करते हैं, चिपकाते हैं, ठीक है। और जनरली हम क्या करते हैं, इनको ऑड नंबर्स में रखते हैं, यानी 3, 5, 7 ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स ऑफ सक्सेसिव लेयर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब ये क्या है, ये सारी लेयर्स को हम क्या करते हैं कि राइट एंगल टू ईच अदर रखते हैं, ठीक है, ताकि पॉइंट ये क्या है कि जो भी हमारे लोडिंग पड़े उस लोडिंग को ईजिली ये बेयर कर पाए। समझ में आ गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब हमारा क्या है, थ्री और मोर वर्नियर्स इन ऑड नंबर्स, सही बात है, थ्री और मोर वर्नियर्स, मिनिमम थ्री मैंने आपको बताया, पीछे थ्री होता है और मोर, ठीक है, तो थ्री और मोर वर्नियर्स इन ऑड नंबर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स ऑफ सक्सेसिव लेयर्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है, हमारा तो पहला ऑप्शन ही सही निकल गया। अब देखो फोर और मोर तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो आपका ईजिली निगेटिव हो गया, क्योंकि मिनिमम मैंने आपको अभी बताया थ्री होता है। अब इन दोनों में क्या है कि अभी ये बोल रहा है कि द अदर विद, मतलब वन अबव अदर विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स ऑफ ऑल लेयर्स, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, हम उसको राइट एंगल पे रखते हैं, ठीक है, हम सेम डायरेक्शन में नहीं रखते उसको,
ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश आर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स इन वुड विच इज यूजुअली नॉर्मल टू एनुअल रिंग्स। तो अब क्या बोल रहा है कि हमारा डैश आर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, तो अब क्या कहते हैं, कौन सा हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होता है इन वुड विच इज़ यूजुअली नॉर्मल टू, यानी जो नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर होगा किसके, हमारे एनुअल रिंग्स के। ठीक है, तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे, चलो देख लेते हैं पहले सारी चीज़ें एक बार। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफेक्ट ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ। अब ये सारे डिफेक्ट जो पीछे मेंशन थे वो हमारे ड्यू टू क्या होते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, चेक्स हो गया। तो चेक्स क्या है, चेक इज़ द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक विच इज़ यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग, यानी हमें आंसर तो मिल ही गया, आंसर हमारा क्या है, चेक, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी क्या हो गया, सॉरी ए नहीं, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यानी चेक्स हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे भी हम एक बार सही कर लेते हैं, क्या है हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी चेक्स क्या बोल रहा है, चेक्स हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रैक होता है जो हमारे परपेंडिकुलर होता है किसके, एनुअल रिंग्स के। फिर दूसरा क्या होता है, शेक्स होता है। तो शेक्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स। अब क्या है, देखो चेक्स हमारे कैसे दिखेंगे कि ये हमारी एनुअल रिंग्स हो गई। ठीक है, तो चेक्स हमारे इस तरीके से फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये चेक्स हो गए। फिर शेक जो बोल रहा है, तो शेक हमारे किस तरह से फॉर्म होंगे, ये हो गए हमारी एनुअल रिंग्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान लो ये हो गया हमारा, ये हो गया क्रैक, ये क्रैक हो गया, फिर हमारा ये क्रैक हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हमारे शेक्स हो गए। क्लियर हो गया। अब शेक्स भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ के होते हैं, कौन कौन से हमारे, हार्ट शेक होते हैं, कप शेक होता है और स्टार शेक होता है। अब क्या है कि हार्ट शेक क्या होता है, यानी इट अकर्स ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ हार्ट वुड। अब पहले मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में कि हमारा हार्ट वुड कैसा दिखता है, हमारा हार्ट वुड जो होता है उसमें जो हमारे श्रिंकेज, यानी हार्ट वुड जब श्रिंक कर जाता है तो उसकी वजह से जो एनुअल रिंग्स के बीच में हमारे सेपरेशन आता है। ठीक है, जो यानी जो हमारा क्रैक आता है उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट शेक बोलेंगे। दूसरा कौन सा हो गया हमारा, कर्व शेक। अब क्या है कि हमारा जो अपीयर्ड होगा, जो क्रैक अपीयर्ड होगा वो हमारा कर्व्ड स्प्लिट होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखो ये कर्व्ड है ना, ये कर्व्ड स्प्लिट होगा तो उसको हम बोलेंगे अपना कर्व शेक्स। अब क्या बोल रहा है तीसरा हमारा, स्टार शेक्स। स्टार शेक्स क्या है, ये रेडियल स्प्लिट ऑफ द क्रैक ऑफ द वाइड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिमिनिशिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्री। अब देखो यहाँ पे जैसे है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा रेडियल स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा रेडियल स्प्लिट हो रहा है। तो ये रेडियल स्प्लिट क्या कर रहा है कि रेडियल स्प्लिट हमारा वाइड क्रैक्स एट द सर्कमफेरेंस, ये सबसे पहले क्या होता है, हाँ अब ये सबसे पहले क्या है, सर्कमफेरेंस पे होगा, फिर सर्कमफेरेंस पे धीरे धीरे क्रैक करते करते ये क्या है, रेडियली अंदर जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक जाता है, ये सेंटर ऑफ द ट्री की तरफ, यानी ये हमारा सेंटर ऑफ द ट्री की तरफ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपना स्टार शेक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके आगे भी है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रिंडगाल। अब रिंडगाल क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ सैपवुड ओवर द वोन्स आफ्टर द ब्रांच हैज़ बिन कट ऑफ इन एन इरेगुलर मैनर। तो देखो ये बताना चाह रहा है कि अगर हम कोई भी ब्रांच अगर अपने ट्री से कट करते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट हमारे ट्रंक पे, यानी जो ट्री का मेन ब्रांच होता है उसके ऊपर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये हमारा एक वूंड बना देता है। ठीक है, जैसे कि आपकी बॉडी का अगर कोई पार्ट कट जाता है तो वहाँ पे भी आप देखते हो ना कि वहाँ पे भी एक वूंड रहता है, यानी एक निशान हमेशा के लिए रह जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे ट्री के साथ भी यही होता है कि अगर हमने उसका कोई ब्रांच अनवांटेड तरीके से, यानी कि जहाँ पे उसका सैप फ्लो ईजिली हो रहा होगा, ठीक है, तो और उसको हमने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्रिकॉशन लिए अगर हमने उसको कट कर दिया तो वो वहाँ पे क्या करता है, एक वूंड क्रिएट कर देता है। ठीक है, और फिर वूंड क्रिएट करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि एक स्पॉट बन जाता है जिसको हम कहते हैं रिंडगाल। ठीक है, तो ये एक तरह का डिफेक्ट होता है बेसिकली। ओके, फिर नॉट्स। अब नॉट्स क्या है कि नॉट्स आर बेसिस ऑफ ब्रांचेस बरीड बाय अ कैम्पियल एक्टिविटी ऑफ अ मदर ब्रांच। अब क्या बोल रहे हैं कि नॉट्स हमारे क्या होते हैं कि बेसिकली गांठ पड़ जाना,
नॉट मतलब क्या होता है, गांठ। तो क्या है बेसिकली हमारे ब्रांचेस में जो बेस ऑफ द ब्रांचेस है वहाँ पे क्या होता है कि हमारे गांठ पड़ जाते हैं, किसकी वजह से, मतलब ब्रांचेस के बरी होने की वजह से, कैम्बियल एक्टिविटी ऑफ द मदर ब्रांच। तो फिर क्या होता है कि द रूट ऑफ द ब्रांच इज एम्बेडेड इन अ स्टेम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि तो जो रूट होता है ब्रांच का वो हमारे मेन स्टेप में बिल्कुल अटैच्ड होता है अच्छे से। ठीक है, फिर विद द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स एट अ राइट एंगल ऑफ दोज स्टेम द नॉट्स एंटर अप द बेसिक ग्रेन ऑफ द वुड रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। अब देखो जैसे मैंने रिंगाल बताया ना, इसी तरह आपका नॉट्स भी होता है, लेकिन अब क्या है कि हमारा रिंगाल किसकी वजह से होता है, बेसिकली वो ब्रांच कट करने की वजह से होता है, लेकिन नॉट्स हमारे कैसे क्रिएट होते हैं, नॉट्स हमारे रूट्स कट करने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट सेम आ रहा है लेकिन पॉइंटर्स की रूट्स की वजह से क्या होता है। अब मैंने आपको बोला कि जहाँ पे सैप फ्लो हो रहा होगा, अब सैप फ्लो हो रहा है यानी न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह हमारे ट्री में फ्लो हो रही है और अचानक से ही हम उसको एक कट कर देते हैं, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे एक नॉट बना देता है। ठीक है, वहाँ पे एक गांठ पड़ जाती है जिसको क्या होता है कि वो हमारा डिफेक्ट में आता है, यानी वो हमारा क्या कहते हैं कि वीक करना शुरू कर देता है किसी को, मतलब हमारे टिम्बर को। क्लियर हो गया, यानी कि अगर हम ट्री को कट कर रहे हैं तो हमें पहले उससे काफ़ी प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, हमें उसका देखना पड़ेगा कि उसका सैप फ्लो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है और हमारा फॉल सीजन कौन सा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो फेलिंग ऑफ ट्री था स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि कटिंग ऑफ ट्री जो होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करेंगी। क्लियर हो गया, चलो अब यहाँ पे ये रेंज दे रखा है कि हमारे जो नॉट्स के रेंज होते हैं कौन कौन से होते हैं, वो साइज पिन नॉट यानी कि अंडर 12 mm, फिर क्या है स्मॉल नॉट दैट इज़ 12 to 20 mm, फिर नेक्स्ट है हमारा मीडियम नॉट दैट इज़ 20 to 40 mm, और फिर क्या है लार्ज नॉट ओवर द 40 mm, यानी 40 mm से ज़्यादा बड़ा नॉट होगा तो उसे हम लार्ज नॉट बोलेंगे। क्लियर हो गया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर कॉज बाय अ फंगल अटैक इज नोन एज। अब क्या है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर, यानी कोई टिम्बर का जो ट्री है वो ऑलरेडी फेल मतलब गिर चुका है, अब क्या है कि उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है फंगल अटैक से, तो उससे हम क्या बोलेंगे, तो वो हमारा बेसिकली क्या होता है, चलो देखते हैं। अब देखो ड्राई रॉट, ड्राई रॉट क्या होता है कि इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर कॉज बाय द एक्शन ऑफ वेरियस फंजाई, हमें पहला ही मिल गया, यानी हमारा ड्राई रॉट ही क्या है आंसर हो गया, यानी कि ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर क्या बोल रहा है कि आगे क्या बोल रहा है कि हमें ड्राई रॉट पता चल गया कि ये किसकी वजह से होता है कि जब हमारा फेल टिम्बर जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, किसकी वजह से, फंजाई, वेरियस एक्शंस ऑफ फंजाई की वजह से, तो उसे हम ड्राई रॉट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है अपसेट, अपसेट क्या होता है कि इट इज़ अ डिफेक्ट अकर व्हेन द टिम्बर इज सब्जेक्टेड टू क्रशिंग और कंप्रेशन ड्यू टू नेचुरल फोर्स। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है कि जो डिफेक्ट है किसकी वजह से होता है टिम्बर में, क्रशिंग और कंप्रेशन की वजह से, जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है, यानी कि हम उस पर खुद से क्रश नहीं कर रहे, यानी कि हम टिम्बर को क्रश या कंप्रेस नहीं कर रहे, वो नेचुरल कंप्रेशन होता है। ठीक है, जो विंड की वजह से भी हो सकता है, वाटर के फ्लो की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि किस वजह से क्रशिंग और कंप्रेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस वजह से जो डिफेक्ट आता है वो होता है हमारा अपसेट डिफेक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा वेट रॉट, वेट रॉट क्या है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ सैप, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ हमारा सैप जब शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों शुरू होता है, व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग कंडीशन। अब मान लो कि एक दिन बारिश हो जा रही है, फिर अगले दिन बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई, फिर उसके बाद भी धूप हो गई, फिर अगले दिन फिर से बारिश हो गई, तो जब ये नेचुरल कंडीशंस की वजह से होता है तो ये हमारा वेट रॉट हो जाता है। ठीक है, यानी अल्टरनेट हमें वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन मिल रही होगी जब हमारे, तो उसकी वजह से हमारा जो सैप होता है वो हमारा क्या करना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेट रॉट। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा फॉक्सीनेस, फॉक्सीनेस क्या है, ये इफेक्ट डिफेक्ट जो है वो अपीयर तब होता है इन द फॉर्म ऑफ डिसकलरिंग ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी ऑफ ट्री। मान लो कि कोई एक टिम्बर का पेड़ है वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, अब वो क्या है कि मैच्योर लेवल पे पहुँचे हुए भी उसको बहुत टाइम हो चुका है, तो अब क्या है कि वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो फेड करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली और जो उसकी क्वालिटी है वो सारी चीज़ें डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉक्सीनेस। क्लियर हो गया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर ग्रेडिंग IS 6543 इफ़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग बिटवीन द 5.6 to 9.8 किलो न्यूटन
mm पर mm स्क्वायर, ठीक है। यानी बेसिकली ये पूछ रहा है कि जब हमारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो इसके बीच में लाई करेगी तो फिर हमारा ग्रेड ऑफ टिम्बर कितना होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, वो ग्रेड सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेड सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर रखा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है कि हमारा क्या है कि जब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बेंडिंग एबव हमारा 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा तो फिर हमारा वो क्या होगा, ग्रेड ए, ग्रेड बी होगा। जब बेसिकली हमारा क्या होगा कि ये क्लासिफिकेशन जो हमारा होगा तो यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एबव 9.8 और बिलो यानी कि 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी, ठीक है। तो वो हमारा ग्रेड बी हो जाएगा। फिर ग्रेड सी हमारा क्या होगा, एबव 5.6 एंड बिलो 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5.6 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टू 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेंज होगा हमारा, तो ग्रेड सी हो जाएगा। और फिर ग्रेड डी के लिए हमारे लिए ऐसा कोई मॉड्यूलर हमारा ऑफ इलास्टिसिटी ऐसा डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ आप मान सकते हो कि हमारा 5.6 से जो भी लेस होगा, ठीक है, तो उसको हम मान सकते हैं हमारा ग्रेड डी क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया, तो पता चल गया हमारा ग्रेड सी आंसर होगा। चलो बाकी आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सॉ इनटू अ सेक्शन इज कॉल्ड, अब क्या है जो प्रोसेस है हमारा जिससे हमारा टिम्बर को कट किया जाता है और फिर उसके बाद हमारा मतलब सॉ किया जाता है, इन पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर सेक्शन में हमारा कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अपना कन्वर्शन ऑफ टिम्बर, ठीक है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो आगे देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है ये कि देखो फोर स्टेप होते हैं किसमें, टिम्बर प्रोसेसिंग में। तो हमारा फोर स्टेप टिम्बर प्रोसेसिंग में कौन कौन सा होता है, पहला हो गया फेलिंग ऑफ ट्री, ठीक है, दूसरा हमारा सीजनिंग होता है, तीसरा हमारा कन्वर्जन होता है, चौथा हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर होता है, ठीक है। तो फेलिंग ऑफ ट्री में क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि ट्रीज़ को हम नॉक डाउन करते हैं या फिर कट डाउन करते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जिससे वो खुद ही फॉल हो जाए यानी खुद ही गिर जाए, ठीक है। तो इसमें तीन तरीके होते हैं, या सॉरी तीन स्टेप्स होते हैं बेसिकली, तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। तो पहला क्या होता है कि एज ऑफ द ट्री हमें पता होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि अपनी मेथड ऑफ फेलिंग क्या होनी चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से सीजन में हमें ट्री को फॉल करवाना है, क्लियर हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, सीजनिंग मतलब कि हमारा बेसिकली क्या होता है, ड्राइंग ऑफ टिम्बर, ठीक है, कि हम सीजनिंग का मेथड चूज़ करते हैं कि किस टाइप का हमारा टिम्बर है और उसके लिए कौन सा सीजनिंग का मेथड हमारा अप्रोप्रिएट रहेगा। फिर कन्वर्जन में आपको पता ही है, मैंने अभी बताया ही जो हमारा आंसर था, दैट इज़ कट और सॉ करते हैं हम एक पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है, लॉग बनाना है तो लॉग्स बनाते हैं, प्लैंक्स बनाने हैं तो प्लैंक्स बनाते हैं, ठीक है, जो भी हमारा डिज़ायर्ड सेक्शन होता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं अपने टिम्बर को। फिर चौथा क्या हो गया, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, यानी प्रिजर्वेशन बेसिकली हमारे तीन स्टेप्स में यानी ऑब्जेक्ट्स हमारा अचीव करने के लिए होता है, कौन कौन सा, बेसिकली लाइफ ऑफ द टिम्बर स्ट्रक्चर यानी उसकी लाइफ इंक्रीज करनी है या फिर कितना होना है, फिर ड्यूरेबिलिटी उसकी बेसिकली यानी टिम्बर स्ट्रक्चर हमारा कितना ड्यूरेबल है, ओके। फिर नेक्स्ट हो गया कि टू प्रोटेक्ट टिम्बर स्ट्रक्चर फ्रॉम द अटैक ऑफ डिस्ट्रॉइंग एजेंसी सच एज फंजाई वगैरह, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, बेसिकली हमें टिम्बर को प्रोटेक्ट करना है किसी भी एक्सटर्नल डिस्ट्रॉइंग अटैक से, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है कि एयर सीजनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल टिम्बर रेंडर्स इट मोर ड्यूरेबल टफ एंड इलास्टिक। अब क्या बोल रहा है कि अगर एयर सीजनिंग होती है, ठीक है, एयर सीजनिंग अगर हम करते हैं किसकी, स्ट्रक्चरल टिम्बर की, तो वो हमें वह हमारा क्या होता है कि मोर यानी ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा टफ होता है और ज़्यादा इलास्टिक भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है हमारा कि एयर सीजनिंग ऑफ अ टिम्बर इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली मेथड ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन टाइम इज़ नॉट कंस्ट्रेनिंग क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है
कि एयर सीजनिंग हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली मेथड से ट्रीटमेंट करना चाहिए जब हमारा टाइम जो है वो हमारा क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले को? नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यानी इंडिविजुअली तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली एयर सीजनिंग मैंने आपको बता ही दिया कि एयर सीजनिंग का मतलब क्या होता है, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर। सीजनिंग मतलब अभी मैंने आपको बताया, सीजनिंग में क्या करते हैं कि हम ड्राइंग ऑफ टिम्बर करते हैं। ठीक है, अब एयर सीजनिंग मतलब कि अगर हमने उसको क्या किया है कि विद द हेल्प ऑफ एयर हम क्या कर रहे हैं कि उसको ड्राई कर रहे हैं। ठीक है, यानी नेचुरल एयर से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एयर सीजनिंग हो जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? एडवांटेजेस होंगे, डज नॉट रिक्वायर स्किल्ड सुपरविजन। इसमें कोई स्किल्ड सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एयर ड्राइंग ही करना है। इकोनॉमिकल होता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तीसरा क्या हो गया कि मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो हमारा रिड्यूस होता है। कितना? 20% डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। उस टाइम पे कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। प्लस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 20% ही कम होता है उसमें। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अब क्या है कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट बोल रहा है कि डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस हमारे क्या क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस हमारा होता है कि इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल नेचुरल एयर। कभी कभी क्या होता है कि हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। अगर हम नेचुरल ड्राइंग कर रहे हैं और एक दो दिन हवा काफ़ी तेज़ चल गई तो ये डिफेक्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी फोर्स की वजह से, इसके जो एयर का फोर्स है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, कभी कभी डिफेक्ट्स भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा एक डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद क्या है कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग ऑफ टिम्बर। ऐसा भी होता है कि जो पोर्शन पे एयर ज़्यादा लग रही है तो वो पोर्शन हमारा जल्दी ड्राई हो जाएगा और बाकी नीचे के पोर्शंस अच्छे से ड्राई नहीं होंगे। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती ड्राइंग में, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, यानी हमारा डिसएडवांटेज है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्रेक्ट टिम्बर्स हैव हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी अप टू 1.3 एंड आर स्ट्रॉन्गर देन अदर टिम्बर्स। अब क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कंप्रेक्ट टिम्बर्स की हमारी 1.3 होती है और वो स्ट्रॉन्गर होते हैं बाकी सारे टिम्बर्स से कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्प्रेगनेशन ऑफ रेजिन्स एंड स्पेशल क्योरिंग मेथड्स आर अडॉप्टेड टू डेवलप कंप्रेक्ट टिम्बर्स। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है और यही रीज़न भी है कि हमारे कंप्रेक्ट टिम्बर्स जो स्ट्रॉन्गर होते हैं। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो इसको देख लेते हैं कि हमारा क्या है, बेसिकली कंप्रेक्ट टिम्बर्स हमारे क्या होते हैं। तो जो हमारे टिम्बर यानी प्रोसेस टिम्बर्स होते हैं जिसके सेल्स आर इम्प्रेगनेटेड विद द रेजिन्स एंड कंप्रेस टू रिड्यूस श्रिंकेज। ठीक है, अब क्या होते हैं कि हम इनके रेजिन्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इनके रेजिन्स को ट्रीट करते हैं और हम उसको क्या करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से, मतलब हम उसको कंप्रेस करते हैं, उसके जो श्रिंकेज है उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो श्रिंकेज और स्वेलिंग दोनों हैं उन दोनों को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या है कि उसकी डेंसिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं। अब देखो कोई मटेरियल है, कोई भी ऐसा मटेरियल है जो अगर ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा तो वो हमारा बेसिकली क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब हमने क्या है, श्रिंकेज और स्वेलिंग को अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो डेंसिटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी और उसकी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अपना कंप्रेक्ट टिम्बर कहते हैं। क्लियर हो गया, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो क्या होता है कि द क्योरिंग ऑफ रेजिन्स इम्प्रेगनेटेड टिम्बर्स और कंप्रेक्ट टिम्बर्स इज़ कैरिड आउट। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी क्योरिंग कैरिड आउट की जाती है, यानी कि क्योरिंग की जाती है। किसकी की जाती है? हमारे कंप्रेक्ट टिम्बर की। फिर क्या है कि अंडर द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कैसे इस सर्कमस्टांसिस में, तो अंडर द हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर में हम क्या करते हैं, उसकी क्योरिंग करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा, कंप्रेक्ट टिम्बर में श्रिंकेज और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी और डेंसिटी और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया, फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंप्रेक्ट टिम्बर इज़ अबाउट 1.30 to 1.35। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या हो गया, द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंप्रेक्ट टिम्बर्स आर मोर देन नॉर्मल टिम्बर। तो जो भी हमारा नॉर्मल टिम्बर होता है उससे ज़्यादा होती है हमारी क्या, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। क्यों होती है वो भी हमने देख लिया यहाँ पे। क्लियर हो गया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हार्डवुड्स आर यूज्ड इन स्पेशल पर्पस हैवी कंस्ट्रक्शन, सॉरी इन स्पेशल पर्पस हैवी कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है,
कि हमारे जो हार्डवुड्स हैं वो हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, बेसिकली हमारे हैवी कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर क्या बोल रहे हैं कि हार्डवुड्स टू आर पोरस इन नेचर, लेकिन हार्डवुड्स हमारे जो होते हैं वो पोरस इन नेचर होते हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। लेकिन क्या ये जस्टिफाई कर रहा है यानी एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को? नहीं, दैट मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यानी दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं लेकिन हमारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो चलो देखते हैं हमारा क्या होता है बेसिकली। तो हार्डवुड्स हमारे क्या होते हैं, हार्डवुड्स हमारे होते हैं कि हार्डवुड्स आर अ क्लास ऑफ वुड्स विच आर कम्पोज ऑफ थिक वॉल्ड फाइबर्स एंड वेसल्स एंड हैव एक्सीलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेंशन कंप्रेशन एंड शेयर। अब क्या होता है, ये बोल रहा है कि हमारे जो हार्डवुड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं बेसिकली जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो होती है उनकी थिक वॉल फाइबर्स होते हैं और वेसल्स हैं उनके, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि वो हाईली रेजिस्टेंट है किसके अगेंस्ट, टेंशन कंप्रेशन और शीयर। यानी यही तीन चीज़ बेसिकली हमें चाहिए होती है अपने किसी भी स्ट्रक्चरल मटेरियल के अंदर, ओके। फिर क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो हैव अ ट्रमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी वाइल रिटेनिंग द एक्सेलेंट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये एक्सेलेंट स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। तो फिर ये हमारे और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि हार्डवुड्स हैव अ लार्ज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ब्लोज मेकिंग इट वेरी टफ वुड। अब क्या बोल रहा है कि हार्डवुड क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी होती है इनको, मतलब ब्लोज एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। यानी हमारे जो ब्लोज होते हैं इन द सेंस कि जैसे बार बार कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी रिपीटेडली हमारा कोई फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है कि उस पर्टिकुलर ब्लोज को क्या है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यही चीज़ इसको क्या बनाता है कि बहुत ही ज़्यादा टफ वुड बनाता है। फिर इसी रीजंस की वजह से क्या होता है कि हार्डवुड जो है हमारा वो हमारा स्पेशल पर्पस के लिए यानी हैवी कंस्ट्रक्शंस के लिए बेसिकली हमारा यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ फाइबर्स इज अ टाइप ऑफ सीजनिंग डिफेक्ट इन अ वुड। यानी स्प्लिटिंग ऑफ फाइबर्स जो है वो हमारा सीजनिंग डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज अ जनरल रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल पर्पसेस। अब ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर जनरल रिक्वायरमेंट है किसके लिए, हमारे स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए, ऑब्वियसली ये भी सही है हमारा। लेकिन क्या ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ये दोनों इंडिविजुअली सही है लेकिन ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जैसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला हमारा स्प्लिटिंग ऑफ फाइबर्स के बारे में बात कर रहा है। यानी स्प्लिटिंग ऑफ फाइबर्स का मतलब हो गया कि सेपरेशन ऑफ फाइबर्स इन प्रोसेस, ठीक है, अंडर प्रोसेस, ठीक है। और फिर क्या है, अलॉन्ग द ग्रेन भी होगा और फिर एक्सटेंड फ्रॉम द प्लैंक, यानी कि प्लैंक्स में ये हमारा एक्सटेंड भी होता रहेगा। यानी बेसिकली क्या है कि जैसे हमारा ये प्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ रेजिन्स हमारे इस तरह से कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ फाइबर्स हमारे इस तरह से दिखते हैं, वो क्या हो गया हमारा सीजनिंग डिफेक्ट है। यानी ड्यू टू यानी सीजनिंग के ड्यूरेशन में जब हमारी सीजनिंग अंडर प्रोसेस होती है उस टाइम पे क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स हमारे श्रिंक होने की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो हमारा स्प्लिटिंग ऑफ फाइबर्स हो गया। और सीजनिंग ऑफ टिम्बर अभी मैंने आपको पीछे हमने डिस्कस किया है, इसकी सीजनिंग क्या होती है, सीजनिंग बेसिकली हमारी ड्राइंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो वो हमारी जनरल रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली अगर हमारा वाटर क्या है कि वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि जैसे हमने पर्टिकुलर डायमेंशन का एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर वो स्ट्रक्चर क्या होगा कि जैसे ही हमारा नेचर में यानी क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे तो वो क्या होगा, या तो श्रिंक हो जाएगा या तो स्वेल भी कर सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डायमेंशन में चेंजेस आ जाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर को वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, जो पर्पस के लिए बना होगा वो पर्पस हमारा सर्व नहीं कर रहा होगा। इसीलिए हमारी सीजनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, किसके लिए, हमारे स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर कैम्बियम लेयर कैन अकर इन। तो कैम्बियम लेयर कहाँ पे आता है, कैम्बियम लेयर होता है हमारा इनर बार्क और सपोर्ट के बीच में। वो वाले डायग्राम में हमने देखा था कि कैम्बियम लेयर हमारा कहाँ आ रहा था, ठीक है, हमारे किसके किसके सैपवुड और इनर बार्क के बीच में हमारा कैम्बियम लेयर आ रहा था। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया सबको, ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। चलो
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसेस एमिटेड ड्यूरिंग रॉटिंग और डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर इज सॉरी आर मेनली, तो कौन कौन से होंगे हमारा, वो कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन होते हैं. यानी कौन कौन से गैसेस हमारे एमिट होते हैं, तो वो हमारा कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन होते हैं. यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये डी है. ओके क्लियर हो गया. चलो इसको देख लेते हैं एक बार कि रॉट एंड टिम्बर इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन और पिट्रीफैक्शन एंड सर्टेन गैसेस लाइक कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन एमिटेड. ठीक है, तो जो रॉटिंग ऑफ टिम्बर होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं और पुट्रीफैक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, अब कॉजेस क्या क्या होते हैं, तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट या फिर डैम्पनेस या फिर अल्टरनेटिंग वेटिंग और ड्राइंग. वेट रॉट ड्राई रॉट हमने पीछे भी देखा है, हार्ड रॉट भी हमने पीछे देखा है, ब्राउन रॉट भी हमने पीछे देखा और वाइट रॉट भी. क्लियर हो गया, यानी ये सारी चीज़ें हमने पीछे भी पढ़ रखी है. यहाँ पे मैंने वापस से वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी है कि ये सारे क्या होते हैं, कॉजेस होते हैं किसके, रॉट एंड टिम्बर के. क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टिम्बर. ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दे रखे हैं उसको रिगार्डिंग हमें टिम्बर देखना है. तो क्या बोल रहा है, सबसे पहला बोल रहा है ये कि द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इंक्रीजेस बाई किल्न सीजनिंग. तो किल्न सीजनिंग के हमारे स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर बढ़ती है. ट्रू. ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. फिर क्या बोल रहा है, कटिंग ऑफ वुड इज टू बी डन प्रायर टू ट्रीटमेंट. अब क्या है कि हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं वुड का, उसके बाद हम उसको कट करते हैं, या फिर हम पहले कट करते हैं फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं. ऑब्वियसली पहले हम उसको कट करते हैं फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं. तो वो क्लियर हो गया, ये भी हमारा करेक्ट है. यानी कटिंग ऑफ वुड इज टू बी डन प्रायर टू ट्रीटमेंट. फिर क्या बोल रहा है कि वाटर सीजनिंग इज गुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रैपिंग. यानी कि वाटर सीजनिंग जो हम करते हैं, यानी कि वाटर को यूज़ करके जब हम अपने वुड को ड्राई करते हैं, यानी वुड के जो वाटर सैप्स होते हैं उनको हम मतलब बाहर निकालते हैं, तो वो हमारी प्रिवेंट करती है किसको, रैपिंग को. यानी वो हमारे वुड को रैप नहीं होने देती. तो क्या ये सही है, बिल्कुल ये भी सही है. ठीक है, फिर लास्ट क्या बोल रहा है, ASCU. ठीक है, ASCU ट्रीटमेंट जो होगा हमारा वो इन्हांस करता है किसको, स्ट्रेंथ ऑफ वुड को. तो क्या ये इन्हांस करता है, नहीं ये इन्हांस नहीं करता है. तो क्या है ASCU, तो ASCU जो है ट्रीटमेंट इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर. ठीक है, तो ये किसका मेथड है, ये हमारे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर का मेथड है. ये उसके स्ट्रेंथ को इन्हांस नहीं करता है. क्लियर हो गया, समझ में आ गया. यानी कि हमारा पहला तीन स्टेटमेंट सही है और चौथा गलत है. दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन करके रखी है ताकि आप बाद में अच्छे से रिवाइज कर पाओ. ओके चल नेक्स्ट चलते हैं. तो क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इज टू बी सीन इन एवरी 2.54 सेंटीमीटर इन अ रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द कोर ऑफ टिम्बर टू बी क्लासिफाइड एज डेंस इज. तो अब क्या पूछ रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स. ठीक है, अब क्या है, जो मिनिमम नंबर होगा हमारे किसका, एनुअल रिंग्स का. यानी एवरी 2.54 सेंटीमीटर इन अ रेडियल डायरेक्शन, हर 2.5 सेंटीमीटर रेडियल डायरेक्शन में फ्रॉम द कोर ऑफ द टिम्बर. ठीक है, तो कोर ऑफ टिम्बर से तो क्या होता है, उसको हम क्लासिफाई करेंगे कैसे, एज अ डेंस. ठीक है, तो वो कितने होंगे, वो मिनिमम नंबर वो होंगे 10 एनुअल रिंग्स. क्लियर हो गया, तो मिनिमम नंबर हमारा क्या होगा एनुअल रिंग्स का, वो होगा 10. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम एक बार वापस देख लेते हैं. क्या है कि ग्रोथ रिंग्स, यानी कि एनुअल रिंग्स का हमारा बेसिकली होता क्या है. तो देखो हर साल, ईच ईयर इन अ ग्रोइंग सीजन द ट्री फॉर्म्स अ न्यू सेल अरेंज्ड इन अ कंसेंट्रिक सर्कल विच आर कॉल्ड एज ग्रोथ रिंग्स. अब क्या होता है कि हर साल क्या करता है, जो प्लांट होता है, यानी प्लांट या फिर ट्री कह लो आप, वो अपने चारों तरफ क्या होता है, एक वुड की नई लेयर बनाता है और जो रिंग्स के फॉर्म में हमें विजिबल होते हैं. ठीक है, फिर दीज रिंग्स कैन बी सीन इन हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन कट थ्रू द ट्रंक ऑफ अ ट्री. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम कट करेंगे तो हमें ये सारी रिंग्स एक मतलब दिखती हैं. क्लियर हो गया, फिर क्या बोल रहा है, दीज एनुअल रिंग्स फर्निश वैल्यूएबल
इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ द वुड. ये क्या है कि हमें उस पर्टिकुलर ट्री के एज के बारे में भी हमें ये रिंग्स बताती हैं. क्लियर हो गया? फिर क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स टू बी सीन इन एवरी 2.54 सेंटीमीटर इन द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द कोर ऑफ द टिम्बर इज टू बी क्लासिफाइड डेंस इज द 10. ठीक है, ये चीज़ तो हमने अभी देखी ली कि जो मिनिमम नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होती है वो हमारी 10 होती है, जो कि हर 2.54 सेंटीमीटर पे रेडियल डायरेक्शन में हमें देखने को मिल जाती है. क्लियर हो गया? फिर क्या बोल रहे हैं, बेसिकली द रेडियल ग्रोथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर और लेस एवरी 10 ईयर्स फॉर अ ट्री वुड रिजल्ट इन अ डेंस टिम्बर. ठीक है, अब क्या है कि ये जो हमारा बेसिकली ये जो रिंग्स हैं, जो 10 एनुअल रिंग्स की हम बात कर रहे हैं, वो क्या करता है कि वो जितनी ये रिंग्स हमारी ज़्यादा हमें मिलती जाती है तो वो क्या होता है कि हमारा जो कॉम्पैक्ट होता जाता है जब हमारा टिम्बर, तो वो उतना ही ज़्यादा सेंटर में हमारा डेंस होता जाता है धीरे धीरे. क्लियर हो गई ये चीज़? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ASCU इज अ प्रिजर्वेटिव फॉर वुड डेवलप्ड बाय द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून कंप्राइजेस ऑफ केमिकल्स. तो कौन कौन से केमिकल होते हैं उसमें, AS2O5.2H2O, CuSO4.5H2O एंड K2Cr2O7 इन द प्रपोर्शन ऑफ. यानी कि ये बेसिकली हमारे किस प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 1.3.4, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद रखनी है, यानी इसका प्रपोर्शन हमारा 1 होता है, इसका 3 होता है और इसका हमारा 4 होता है. क्लियर हो गया? तो ये इस प्रपोर्शन में हमारे प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ होते हैं, किसके, वुड के. क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, ये चीज़ बता दी मैंने यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पाइल्स इन अ प्लाईवुड आर सो प्लेस्ड दैट ग्रेन्स ऑफ ईच प्लाई आर. अभी हमने पीछे पढ़ा जहाँ पे हम प्लाई का एक क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था इट इज़ एट अ राइट एंगल टू वन एंड अनदर. ठीक है, तो इट इज़ एट अ राइट एंगल टू वन एंड अनदर, दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे वापस से एक बार वापस डिफाइन कर दी है जो हमने पीछे वन ईयर्स के टॉपिक में पढ़ी थी, वुड वन ईयर्स के टॉपिक में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. क्लियर हो गया? आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी. और ठीक है, अभी तक जितने भी हमने 5 टॉपिक कवर किए हैं, दैट इज़ सीमेंट, मोर्टार एंड लाइम, कंक्रीट, देन स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी, देन हमारा टिम्बर, तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है अच्छे से, ताकि इसके बाद आपको आगे के टॉपिक्स भी करेंगे. क्लियर है? क्योंकि आप एक साथ सारी चीज़ों को करोगे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी. क्लियर हो गया? चलो आज के लिए इतना ही बस. थैंक यू.